कार्टन का ये गोलाकार मैंने काट ली है, तो पीस में पेपर काटी है। इस पे फेविकोल लगा के इसके ऊपर एक को चिपका देंगे। इसके बाद फिर इस साइड एक को चिपका देंगे। इसके किनारे पे ऐसे फेविकोल लगा के हम लेस चिपका लेंगे इसके ऊपर। इसी तरह पूरे में चिपका लेंगे। अब हम इसको काट लेंगे। इस तरह से मैंने इसको गोलाकार में इसको लेस लगा ली है। रील का खाली खोखे हैं, इससे बनाएंगे एक सुंदर सा झूमर। इसको एक एक करके पेंट कर देंगे। ये मेरा येलो कलर का है, आप जो अपना चाहिए तो अपने पसंद से दूसरा कलर का भी कर सकते हैं। मैंने येलो की और रेड की हूँ। का कतरन इसको गोलाकार में कर में इसको कट कर लेंगे इस तरह से। कतरन को काट के छोटे छोटे टुकड़े इसको बना लेंगे। और मैं दो कलर का पेपर का छोटा छोटा बना के इसको दिल काटती हूँ इस तरह से, आप देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कॉल लगा के या गोंद लगा के दो जगह से एक एक को मैं इधर ऐसे चिपका दूंगी इस पे। इस तरीके से बन जाएगा। नीडल है, इसमें एक धागा डाली हूँ, काटन का छोटा सा एक टुकड़ा ली हूँ। इसको सबसे पहले नीडल में इसको डाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद इस नीडल को इस तरह से इसको और इसको बीच में इस तरह से इसमें डालेंगे और इसको आहिस्ता से इसको अंदर कर लेंगे, ताकि ये इसलिए लगाई हूँ ये रील के खोखे से पास ना करे। इस तरह आ गया। ऐसा ऐसा छोटा टुकड़ा मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक टुकड़े चार पांच पीस लेकर इसके बीच सेंटर से इसको गुथूंगी लगाऊंगी। उसके बाद फिर एक खाली खोखे डालूंगी रील का डब्बे। उसके बाद फिर कपड़े की कतरन के टुकड़े लगाऊंगी। इस तरह से मेरा लड़ी बनता जाएगा। तो आप जितना चाहे उतना बना सकते, जितना लंबा चाहे उतना लंबा बना सकते, जितना छोटा चाहे उतना छोटा बना सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे लड़ियाँ बना ली हूँ। तरह से ये मोती वाला है भाग ऊपर रखेंगे अभी, और इसको प्लेन वाला को नीचे रखेंगे। ऐसे यहाँ पे नीडल यहाँ से पास करूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं गांठ लगा दूँगी इसको। इस तरीका से मैं इसको यहाँ पे गांठ लगा देंगे। डबल गांठ लगा दूंगी ताकि ये जल्दी नहीं खुलेगा। उसके बाद मैं यहाँ से कट कर लूँगी। इसी तरह पूरे में लगा लेंगे। इसे आप देख रहे हैं, दो लड़ी लगाई हूँ, तब तीन लड़ी लगाएंगे। यहाँ पे एक मैंने लगा रखी है, यहाँ पे फिर यहाँ पे इधर से उस साइड निकालेंगे और मैं यहाँ पे डबल गांठ लगा दूँगी।
इसी तरह मैंने जितना लड़ी इसमें एडजस्ट होगा उतना मैं इसमें लगा दूंगी। और ये इसको मैं कट कर दूंगी इस तरह से, एक छोटा बड़ा करके इसको ऐसे मैं लगाऊंगी। ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे दिल काट रखी थी, ऐसे ऐसे मैंने चिपका दिया और धागे जहाँ पे दिखाई दे रही है वहाँ पे चार साइड से, चार जगह से, बराबर बराबर जगह से मैंने ये धागा निकालूंगी चार। इसमें मोतियाँ लगाऊंगी जितना, मतलब इसमें आना चाहिए उतना मैं मोती लगाऊंगी इसमें। इस तरह से इसको ऐसे मोती 18 मैंने मोती लगाई हो, उसके बाद पैप लगा, उसके बाद फिर एक मोती लगाई हो। मैंने चार बनाई हो लड़ी, इसमें चारों को एक जगह करके इसमें गांठ लगा लेंगे, एक जगह करके ऐसे ऐसे इसको गांठ लगा लेंगे। ऐसे मैं गांठ लगा ली और इसी धागे से इसको यहाँ पे ऊपर छत में टांगने वाला, इसको ऐसे इस तरह से नट में फंसाने वाला ऐसे इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से बना लेंगे इसको गांठ लगा के। Okay.